अगर राम मंदिर का मुद्दा सामने आ जाए तो एक बात समझेगा कि फिजा में चुनाव का रंग खुल गया है। संत प्रमुख मोहन भागवत ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर वाला बयान दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक तलवारें खींचने लगी हैं। AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी ने इस बयान को लेकर संघ और बीजेपी पर निशाना साधा है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि RSS प्रमुख एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करना चाहते हैं या दबाव डालना चाहते हैं। आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर संज्ञान लेगा कि किस तरह से सरकार, बीजेपी और RSS पूरे देश में तनाव का माहौल बनाना चाहते हैं। जब 5 दिसंबर को सुनवाई होनी है तो इसे देश भर में राजनीतिक मुद्दा बनाओ ताकि राजनीतिक फायदा लिया जा सके। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भागवत को बड़ा दूरदर्शी बताते हुए कहा कि संघ प्रमुख 100% सही बोल रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को राम मंदिर मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया था। कर्नाटक के UDP में चल रही धर्म संसद के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। इस खबर पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।